What is meant by the term Phillips curve? Phillips curve A.W. Phillips के द्वारा दिया गया concept है और ये हमें inflation rate और unemployment rate के relationship के बारे में बताता है. इसके according inflation rate और unemployment rate के बीच में negative यानी कि inverse relationship होता है, जिसकी वजह से जो हमारा Phillips curve का shape है वो downward sloping होता है. इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ है, यानी जब इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा मार्केट में. ये ट्रेड ऑफ इन दोनों चीज़ों के बीच में सिर्फ शॉर्ट रन में दिखाई देता है. लॉन्ग रन के केस में इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है. इसी की वजह से जो फिलिप्स कर्व का शेप है वो एक वर्टिकल लाइन के जैसा दिखता है और वो हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होता है. सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGCNET अड्डा 24/7 को और मैं हूँ आपकी अपनी UGCNET इकोनॉमिक्स मेंटर शिवानी शर्मा.